डॉग बाइट में क्या करना है आपको, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन आज मैं यहाँ इस सेशन में बताने जा रहा हूं कि कैट बाइट में आपको क्या करना है। बिल्ली ने अगर आपको काटा है तो आप क्या करोगे, बिल्ली ने अगर अपने जीभ से आपको चाटा है तो आप क्या करोगे, बिल्ली ने अपने नाखून से ये जो पंजे हैं, पंजे से अगर आपको यहाँ पे खरोच लगाया है तो आप क्या करोगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आए दिन हमारे घर में तो बिल्ली आती जाती रहती है, और हमने वो जो बाउल रखा था उस बाउल में दूध था, बिल्ली उस दूध को पीकर चली गई और जो बचा हुआ दूध था वो हमने पी लिया और हमारे मुंह के अंदर अल्सर्स हैं, छाले हैं, तो क्या हमें ऐसे भी रेबीज स्प्रेड हो सकता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि बिल्ली ने जिस बाउल को चाटा है वहां पे उसका सलाइवा लगा हुआ है और ये सलाइवा वाला बाउल हमने उठा लिया और हमारे हाथ में भी यहाँ पे कट्स लगा हुआ था, तो क्या इस सलाइवा के थ्रू भी रेबीज हमें फैल सकता है या नहीं फैल सकता है। तो आज इस सेशन में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कब किस सिचुएशन में आपको रेबीज वैक्सीन लगवाने की जरूरत है, किस सिचुएशन में आपको HRIG भी लगवाना पड़ सकता है, कहां पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंड उस केस में आप क्या करेंगे अगर लास्ट टाइम आपको डॉग बाइट हुआ था, आपने वैक्सीन लगवाया था और इस बार आपको कैट बाइट हुआ है। सबसे पहले आप इस बात को जान लें कि WHO ने इसे कैटेगराइज किया है 3 पार्ट में। हर बाइट को, एनिमल बाइट्स को खासकर जो रेबीज प्रोड्यूस करता है, Category 1, Category 2, Category 3। जहां तक Category 2 एंड Category 3 का सवाल है, अगर आपका बाइट 2 और 3 में होगा तभी आपको वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है। खासकर अगर Category 2 और 3 है तो आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना है, और अगर Category 3 है तो आपको HRIG भी ऐड करना है। अब आप देखो इस केस को, जहां पे कैट ने आपको बाइट किया है, जहां ट्रांसडर्मल बाइट्स होता है जो Category 3 में आता है, या अगर आपको स्क्रैच कर चला जाए, ब्लड नहीं भी आ रहा है, तो ये Category 2 में आता है। कहने का मतलब कि अगर आपका स्किन किसी भी तरीके से ब्रेक हो गया, ब्लड आए या ना आए, आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है। वो केस जहां पे बिल्ली ने आपको चाटा है, डायरेक्ट लिक किया है अपने टंग से आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जैसे कि आंखों का म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज पे या माउथ पे, या उसने चाटा है उस जगह पे जहां पे आपको ऑलरेडी ब्रोकन स्किन है, जैसे यहाँ पे अल्सर्स हैं, छाले हैं, या यहाँ पे कोई फ्रेश उंड है, कोई कट्स है, कोई इंजरी है, यहाँ पे अगर बिल्ली ने चाटा होगा तो भी आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिल्ली का सलाइवा उस बाउल पे लगा हुआ था और उस बाउल को हमने अपने हाथ से टच कर लिया, तो अब क्या रेबीज स्प्रेड करेगा। इसका आंसर है बड़े बड़े में, big NO, capital NO, नो। इस तरीके से रेबीज कभी नहीं फैलता है कि सलाइवा कहीं गिरा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पे एंड आपने उस ऑब्जेक्ट को उठाया है, छुआ है, तो वहां से रेबीज नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रेबीज वायरस आउटसाइड एनवायरनमेंट में आता है, इमीडिएटली उसकी जो इन्फेक्टिव पावर है वो आपकी निल हो जाती है, वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। माना यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या रेबीज वायरस सलाइवा में, वेट सलाइवा में बाहर गिरा हुआ लाइव रह सकता है या नहीं। तो यहाँ पे एक बात को जान लें कि ठीक है, लाइव रह सकता है 1 घंटे 2 घंटे 8 घंटे तक भी। आप देखो अगर सराउंडिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अगर उसके लिए ऑप्टिमल है तो 8-8 घंटे तक भी लाइव रह सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इन्फेक्टिव भी होगा। वो इन्फेक्टिव नहीं होगा, वो आपको कभी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यही कारण है कि अगर आपने बिल्ली का जूठा दूध वो पी लिया है और यहाँ अल्सर्स है मुंह में, तो भी आपको रेबीज नहीं होगा, क्योंकि वो मिल्क में जो सलाइवा गया है, जो रेबीज वायरस गया है, वो ऑलरेडी इनएक्टिव हो चुका है। तो इस तरीके से रेबीज वायरस नहीं फैलता है। तो सबसे पहला पार्ट हमने अभी डिस्कस कर लिया कि कैट्स के संबंध में कब आपको रेबीज वैक्सीन लगवाने जाना है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखते हैं जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज उंड मैनेजमेंट। जहां पे बाइट हुआ है, सबसे पहले उस जगह को रनिंग वाटर से कम 15 मिनट तक साबुन से जरूर धोएं। जी हाँ, ध्यान रखें, 15 मिनट तक जरूरत है धोने की, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वायरस वहीं पे इनएक्टिव हो जाए।
इसके बाद फिर आपको जाना होता है वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ आपको कैटेगराइज करना है कि आप कैटेगरी 2 में वाइट के वाइट में आता है या कैटेगरी 3 के वाइट में आता है। अगर कैटेगरी 2 का वाइट हुआ है तो ओनली एंटी रेबीज वैक्सीन की जरूरत होती है, लेकिन अगर कैटेगरी 3 का वाइट हुआ है तो यहाँ पे आपको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ HRIG भी लगवाने जाना होता है। तो क्या ये ARV है और क्या ये HRIG है, ये बताता हूँ मैं आपको। पहले स्टार्ट करते हैं ARV से। तो ARV है एंटी रेबीज वैक्सीन। यहाँ पे आपने देखा है दो तरह का शेड्यूल इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, इंट्राडर्मल फॉलो करेंगे एंड इंट्रामस्कुलर फॉलो करेंगे। इंट्राडर्मल कहने का मतलब है कि जो स्किन लेयर्स है, स्किन लेयर के बीच में आपको ये इंजेक्ट करना होता है वैक्सीन को। एंड जनरली आप देखो तो ये शोल्डर रीजन पे करते हैं या सुप्रा स्कैपुलर रीजन पे करते हैं या दोनों थाइस पे भी कर सकते हैं। तो जहाँ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बातें हैं तो हमेशा यहाँ पे दो डोज लगवाना होता है हर सिटिंग में, 0.1 ml दोनों साइड लगेगा। कब कब लगेगा? 4 times लगेगा, day 0, day 3, day 7 एंड day 28 में। ठीक इसी तरीके से अगर देखते हैं इंट्रामस्कुलर रेजिमेन, तो इंट्रामस्कुलर में क्या है कि जो भी आपका वैक्सीन है वो पूरा वायल या तो 0.5 ml में आता है मार्केट में या तो 1 ml में आता है। तो पूरा वायल आपको लगाना होता है इंट्रामस्कुलरली। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे दो डोज वाली बात नहीं होती कि दोनों शोल्डर पे आपको लगाना है, पूरा वायल एक ही शोल्डर पे आपको लग जाएगा डेल्टॉइड रीजन में या तो थाइस के एंटेरोलैटरल पार्ट में। और इसे 5 दिनों में दिया जाता है, day 0, day 3, day 7, day 14 एंड day 20। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली बातें करते हैं कैट्स को लेकर। तो कैट को भी जिस तरीके से आपने डॉग को ऑब्जर्व किया था 10 days तक, वैसे यहाँ पे कैट को भी आपको ऑब्जर्व करना होता है अगले 10 दिनों तक। अगर कैट हेल्दी रहती है 10 days तक, नहीं मरती है, तो यहाँ पे आप day 14 इंट्रामस्कुलर में स्किप कर सकते हो एंड सीधा day 28 लगा सकते हो, जबकि इंट्राडर्मल में आपको पूरा पूरा डोज लगाना होगा। कई सेटअप्स में कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि हमें तो केवल 0-3-7 ही बोला गया है लगवाने के लिए, तो क्या ये प्रॉपर डोज है या नहीं है? तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस ये है कि 0-3-7 लगाएं एंड डॉग या कैट को ऑब्जर्व करें 10 days तक। अगर 10 दिन तक डॉग या कैट अलाइव रहता है तो आपके लिए 0-3-7 सफिशियंट है, आप प्रोटेक्टेड हो फिलहाल। लेकिन अगर उसकी मौत हो जाती है 10 दिन के अंदर अंदर, इट मींस उनको रेबीज था, आपको भी रेबीज होने के चांसेस हैं, तो यहां पे आपको अगला कोर्स भी, अगला डोज भी लेना पड़ेगा ताकि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आपका कंप्लीट हो सके। और अब एक जो मॉडिफिकेशन किया गया है, मॉडिफिकेशन ये किया गया है कि अगर 10 दिन के बाद भी डॉग्स या कैट जिंदा रहता है तो भी आपको पूरा कोर्स लेना है, केवल इंट्रामस्कुलर में डे 14 स्किप करना है ताकि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कन्वर्ट हो जाए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में एंड आपको लॉन्ग टर्म तक ये जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है आपके बॉडी में बनी रहे। एंड आपको पता है अगर आपने फुल कोर्स ऑफ ARV लिया है तो करीब 5 साल से 21 साल तक आप प्रोटेक्टेड रहते हो, आपके बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मिलती है। इसलिए 0-3-7 पे ना रुके, कंप्लीट लें कोर्स को जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक इसी तरीके से अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज HRIG अगर कैटेगरी 3 का वाइट हुआ है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं HRIG के लिए, HRIG उन्हीं को लगेगा जिनको पहले कभी ARV का पूरा कोर्स नहीं दिया गया है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन ही इसको लगवाना चाहिए। हाँ, 7 days के अंदर मतलब मैक्सिमम आप लगवा सकते हो, लेकिन बियॉन्ड 7 days आपको नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपने 2 डोज एंटी रेबीज वैक्सीन का लगवा लिया है तो फिर आपको HRIG नहीं लगेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए HRIG के लिए। डोजेज वाइज अगर आप देखो तो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर KG आपको लगाना होता है ये HRIG एंड मैक्सिमली जहां पे उंड है, जहां पे बाइट हुआ है, मैक्सिमली यहीं पे आपको इन्फिल्ट्रेट करना होता है। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है, अगर कुछ वॉल्यूम बच भी जाता है तो आप इसको इंट्रामस्कुलरली लगा सकते हो, लेकिन अदर साइट पे, अदर एनाटॉमिकल साइट पे लगेगा। ऐसा ना हो कि आपने ARV इसी पे लगाया है और यहीं पे आपने HRIG का रिमेनिंग डोज लगवा लिया। नो, ऐसा नहीं करना है।
अगर आपने ARV यहाँ लगवाया है तो HRIG को डिफरेंट साइट पे लगाएं, या तो यहाँ लगा ले यानी तो फिर थाइस के रीजन में लगा ले। तो ये कुछ बातें थी जो कैटेगरी 3 में आपको यूजफुल होता है HRIG से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट हमारा बहुत ही अहम सवाल, डॉग बाइट के लिए अगर आपने पहले ही फुल कोर्स ऑफ ARV ले लिया है तो क्या इस बार जो कैट बाइट हुआ है इसमें फिर से आपको फुल कोर्स लेना होगा? तो इस बात को यहाँ पे समझ लें कि अगर कैट बाइट हुआ है तो ये आपको री एक्सपोजर कहलाएगा, एंड री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में आपको केवल 2 डोज ही लेने की जरूरत होती है, आपको फुल कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये day 0 एंड day 3 पे लगेगा। आप इंट्राडर्मली भी ले सकते हो, इंट्रामस्कुलरली भी ले सकते हो। एक डिफरेंस यहाँ पे जानना होगा, अगर आपने इंट्राडर्मली लिया है तो ये एक ही साइट पे आपको लेना होगा। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में आप दोनों साइट पे लिया करते थे, यहाँ पे एक ही साइट पे लिया जाना है। एंड इंट्रामस्कुलर तो हर बार की तरह चूंकि एक साइट पे ही लगता है तो यहाँ भी री एक्सपोजर में 0 एंड 3 एक साइट पे ही लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये कैट बाइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बता दिया है। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको हर बार की तरह आप जस्ट निश्चिंत होकर नीचे डालें कमेंट बॉक्स में, हर बार की तरह आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन।